हेलो गाइस, मैं रमेश फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर। जैसा कि हम सब ने बता चुके थे कि टाइम एंड वर्क और उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन भी थे, वैसे ही एज टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि उस दिन जो बताया था वो हमने एफिशिएंसी बेस पे बताया था और एलसीएम से कैसे भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल देते, ये सब क्वेश्चन बताए थे। आज हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं कि जहाँ आदमी और औरतें और बच्चे इस टाइप के जब मिलकर काम करते हैं तो क्वेश्चन को बाइटते हैं। हमने देखा है कि बच्चे अक्सर फॉर्मूला लगाते रहते हैं, वो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके का कि m1 d1 = m2 d2 = w2, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगाते रहते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी अपने जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको बताएं सेशन के बारे में। और देखिए आज का जो सेशन है उसमें हम बताते हैं किस तरह से बाई ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पर, देखते हैं कैसा क्वेश्चन का सेशन रहेगा। एक बार हम पूछ सकते हैं आप लोगों से कि आप लोग कैसे हैं और कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की। अगर प्रिपरेशन सही चल रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। यूपीएसआई या यूपी स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी ही हम यहाँ पर वैकेंसी इसमें कवर हो जाएंगी और जो भी क्वेश्चन हम उठाएंगे वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या पहले देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरीके से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है। देखो तो पहला क्वेश्चन ही उठ के आ गया है, हम आपको बताने वाले थे एम वन डी वन वाला फॉर्मूला और वो जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बताएंगे, या पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाद एम वन डी वन वाला फॉर्मूला भी बताएंगे, कैसे उस फॉर्मूले से हम अवॉइड कर सकते हैं फॉर्मूले को, बिना फॉर्मूले का यूज किए ही क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और वो भी दो लाइन में, है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की उड़ाभा करने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे ये समझते हैं कि ट्रिक सीख लेने का मतलब ये है कि अब मान लो हमें फॉर्मूला या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, वास्तव में जो लोग ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं वो कैलकुलेशन उनकी बहुत फास्ट होती है और ये चीज प्रैक्टिस से आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, चाहे कहीं से भी करें, या हमारी वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं दोबारा कर, डाउनलोड करके एक बार डाउनलोड कर लोगे मान लो 360 या 480 की क्वालिटी में और उसे आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा और फ्रेंड्स लोगों में शेयर करते रहिएगा। और ट्रिक की एक खासियत और होती है, एक तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर टाइम कम लगता है, लेकिन यहाँ ट्रिक से क्वेश्चन करने का मतलब होता है क्वेश्चन को ढंग से समझना। ठीक है, अगर मान लो आप लोग बेसिक से क्वेश्चन करते हो तो बेसिक से क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे हम 9th, 10th, 12th, 11th में पढ़ते आए थे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिमाग काम कर रहा हो या ना कर रहा हो उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को फिट करते हैं और आंसर आ जाता है। ट्रिक में ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला जानते हैं नहीं जानते, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो जरूरी काम होता है वो होता है हमारी माइंड की स्टेबिलिटी। और माइंड स्टेबल कैसे होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में सोचें। ठीक है, और क्वेश्चन किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें। देखो बहुत ज़्यादा बातचीत करने से या गुस्सा आने से दिमाग कम होता है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग करके रखिएगा, अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है। अगर वास्तव में एग्जाम निकालना चाहते हो तो मैं जिस गाइडलाइंस को बता रहा हूँ उसका फॉलो करो, अपने सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो, अपना रूम जो भी घर में है उसे अलग सेट कर लो। ठीक है, घर वालों से बोलो कि सिर्फ हमको खाना पानी से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। किसी का फोन भी आता है तो फोन को साइलेंट लगा के रख दो बराबर में। ठीक है, अपने सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो और फालतू की बातें दिमाग में मत आने दो, ये कोशिश करो, क्योंकि फालतू की बातें जब दिमाग में आ जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है, फिर वही बातें दिमाग में जब चलती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं।
इसलिए ही ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, बाकी ट्रिक बहुत ही अच्छी चीज है, आसानी से कर भी सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अच्छा हम क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है। ये बात सिर्फ इस लाइन को पढ़कर हम क्या क्लू निकाल सकते हैं यहाँ से कि ए बी की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए किसी काम को अगर ए किसी निश्चित टाइम में दो काम करता है तो बी उसी निश्चित टाइम में एक काम करता है। इसका मतलब ए और बी है ना, ए और बी, अगर ये ए और बी है और किसी निश्चित काम को देखो ए बी की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है, अगर बी की कार्य क्षमता एक है तो ए की कार्य क्षमता दो है, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात, ये होती है कार्य क्षमता, ठीक है। यहां तक हमने अभी तक क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसा नोट डाउन किया है, ठीक है, क्या किया हमने, सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। तो अगर इतनी वही बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ, उनको भी हेल्प मिल सके कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस समय कोरोना के चलते ही बच्चों को कोचिंग अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएँ जिससे आप लोगों के लिए ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत भी ना पड़े। और फिर भी मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों से, अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल के नाम से है, उस चैनल पर कोई भी पीडीएफ या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों से नहीं बन रहा है या बन रहा है तो भाई ट्रिक नहीं बन रहा है तो वहां पर शेयर कर सकते हो, ठीक है, देखते हैं। और कार्य कुशल है और साथ में वे एक कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितना सी और डी मिलकर उस कार्य को करने में करते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि ए और बी मिलकर उतने ही समय में कर सकते हैं जितने में सी और डी मिलकर करते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली बात है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। हालांकि मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर मार देता क्वेश्चन को पढ़ के ही, लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोगों को समझा जरूर दूँ, क्योंकि आप लोगों की अगर समझ में आ गया तो मेरे लिए इससे भला और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों की समझ में आएगा तभी तो आप हमारे वीडियो को प्रमोट करोगे, वैसे तो नहीं कर सकते ना। तो हम चाहते हैं आप लोगों की बहुत अच्छी सी समझ में आए, ठीक है, और वे साथ में एक कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने सी और डी मिलकर कार्य को करने में करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी कि ए और बी मिलकर उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी और डी करते हैं। उसके बाद है यदि सी और डी अकेले 20 और 30 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, या सी 20 दिन में और डी 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो इसको बहुत नॉर्मल जो फंडा था वो था इसका एलसीएम लेने वाला, एलसीएम लेके ऐसे बता सकते हो कि सी और डी कितने दिन में कर सकते हैं, 20 या 60 30 60, हमने एलसीएम लेना आप लोगों के लिए बता दिया है। एलसीएम हमने बताया था कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको उठा लो, या तो वो खुद एलसीएम होगा या उसका डबल एलसीएम होगा या उसका ट्रिपल एलसीएम होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने बोल दिया कि टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की 3 आ गई, डी की 2 आ गई, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, टोटल एफिशिएंसी हम बोले कितनी आ गई तो आप बोलेंगे 5, ठीक है, और ये 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, 12 टाइम, मतलब सी और डी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो ए कितने दिनों में अकेले उसी काम को पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सी और डी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो इस और सी और डी और ए और बी मिलकर सेम दिन लेते हैं, इसका मतलब ए और बी भी तो मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बात समझ पाए या नहीं। क्वेश्चन में बोला गया था कि सी और डी उतना ही टाइम लेते हैं जितना ए और बी लेते हैं, अगर सी और डी 12 दिन में कर रहे हैं, सी और डी 12 दिन में कर रहे हैं तो ए और बी भी तो 12 दिन में ही करेंगे या नहीं,
अगर ए और बी 12 दिन में करेंगे, इसका मतलब 12 दिन में ए और बी काम कर रहे हैं, और कार्य क्षमता कितनी दी है 2+1=3, टोटल कार्य क्षमता कितनी है 3, मतलब हम कह सकते हैं कि काम टोटल कितने हो गए 36। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश की है समझाने की, और मैं चाहता हूँ कि जो आज का सेशन रहे वो बहुत ही बेहतरीन रहे, जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा आए, और जब बहुत मजा आएगा तो क्वेश्चन को फुल एंजॉय के साथ करोगे, और जब फुल एंजॉय के साथ, देखो कोई भी काम जब एंजॉयमेंट के साथ होता है तो उस काम को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तभी उस काम को करने में मजा आता है, वैसे कोई मजा नहीं आता काम करने में, ठीक है। अगर मान लो 36 दिन में ए और बी काम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में बोला गया था ए कितने दिनों में अकेले उसी काम को कर सकता है, ठीक है। अगर ए की कार्य क्षमता कितनी 2, काम टोटल कितने कराने 36, तो हम कह सकते हैं कि 2 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18 days। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर भी आ गया। देखते हैं ऑप्शन की तरफ, 12, 11, अरे यहाँ पर ये ऑप्शन में गड़बड़ कर रखा है शायद, यहाँ 18 कर दिया, ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमने कोशिश की बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की, ठीक है, और मैं भी यही समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो पहले क्वेश्चन से ही पहले वीडियो को शेयर करो, उसके बाद वीडियो आगे देखो, ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन है, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। देखो नष्ट करने का मतलब है, देखो जिंदगी में दो तरीके के लोग, एक तो वो होते हैं जो कुछ काम करते हैं, तीन तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कुछ काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कोई काम नहीं करते, है ना, और तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ बिगाड़ते हैं, बनाते कुछ नहीं, ठीक है। तो वही यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। ए तो काम कर रहा है किसी काम को 8 दिनों में, और बी क्या करता है, बी बहुत एक्टिव बंदा है, बी उसे 3 दिन में बिगाड़ देता है। क्वेश्चन में बोला गया कि बी उसे 3 दिन में नष्ट कर सकता है ना, मतलब बी उसे 3 दिन में बिगाड़ देता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी जो है वो नेगेटिव पर्सन है, है ना, बी उल्टा सीधा काम करता है, कभी भी ढंग का काम नहीं करता। ए ने 6 दिनों के लिए काम किया, जिसके अंतिम 2 दिनों के दौरान बी ने काम नष्ट किया, अब पूरा काम को करने के लिए ए को अकेले कितने दिन काम करना चाहिए। अगर मैं यहां से एलसीएम लूं, इन दोनों का एलसीएम लूं, जैसे पाइपलाइन सिस्टम में करते हैं, पाइपलाइन सिस्टम जब हम करवाएंगे आप लोगों से चैप्टर कराएंगे पाइपलाइन सिस्टम का, तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन को देख लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 + 3=24, एलसीएम नहीं निकालना आता, एक बार आज फिर से बता रहा हूं, 24 वो 8 और 3 का एलसीएम लेना हमारी, क्या करना 8 और 3 का एलसीएम लेना, ठीक है। हमको लग रहा है 8 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो 8 को 8 से काट दो और 3 को 3 से काट दो, 8 + 3 = 24 होता है ना, तो 8 + 3 = 3, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, बी की, देखो ए की कार्य क्षमता बनाने की तो 3 है और बी की कार्य क्षमता बिगाड़ने की ज्यादा है, इसका मतलब नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ए तो एक दिन में 3 काम ही बना पाता है और बी एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है, बी ज्यादा खतरनाक है ना। अब क्या है, ए ने 6 दिनों तक काम किया, अगर ए ने 6 दिनों तक काम किया तो 6 दिन में कितने काम कर दिए ने 18, टोटल काम कितने थे 24, 24 से ए ने 18 कर दिए, करने को कितने बचे 6, ये शेष काम बचे हैं, क्या बचा है शेष काम,
ए ने 6 दिनों तक कार्य किया जिसके अंतिम 2 दिनों के दौरान बी ने काम नष्ट किया, बी ने भी अपनी खुरापातें चालू कर दी। बी ने क्या किया, बी ने 2 दिन में काम नष्ट किया। बी 1 दिन में 8 काम नष्ट करता है तो 2 दिन में कितने नष्ट करेगा, 16, मतलब 16 काम बी ऐसे कर देगा कि उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी अगर मान लो ए ने काम बनाया है तो बी ने 16 काम ऐसे कर दिए कि उन्हें फिर से ए को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी का काम सिर्फ बिगाड़ने का है, बनाने का नहीं है। ठीक है, अब टोटल 6 काम तो यहां बनाने को अभी पड़े हैं करने के लिए, 16 काम ये हैं, टोटल काम कितने हो गए जो अभी करने हैं, आप बोलेंगे 22, मतलब 22 काम अभी तक करने के लिए पड़े हैं और टास्क दोनों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ए ने भी अपना जो खुरापात दिखानी थी दिखा दी, बी ने भी अपनी कोशिश जो करनी थी बिगाड़ने में पूरी कर दी। ठीक है, अब 22 काम बच गए फिर भी करने के लिए। फिर ए आया, ये तो बेचारा करेगा ही करेगा, है ना, तो ए को अकेले कितने दिन काम करना चाहिए। अब ए काम करेगा, ये 1 दिन कार्य क्षमता कितनी है, 3, यानी 1 दिन में 3 काम करता है। टोटल काम करेगा तो 3 × 7 = 21, 7 सही 1/3। ठीक है, कितने दिन में करेगा, 7 × 1/3 दिन, और 7 × 1/3 दिन को लिख सकते हैं हम 7.33 days, क्या लिख सकते हैं 7.33 days। 1/3 की वैल्यू हमने बताई थी परसेंटेज में होती है 3.33। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7.33। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, पुनीस 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करता है। देखो यहाँ पर मिनट लिखने को छूट गया है, कोई नहीं, हो जाता है वो 45 मिनट में पैक करता है। दोनों मिलकर एक साथ 1 घंटे में कितनी चॉकलेट पैक कर देंगे, क्वेश्चन में बोला गया। देखो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का, हालांकि हम बेसिक से करवाएंगे नहीं क्वेश्चन को, लेकिन बेसिक बता जरूर दे रहे हैं कि इसका बेसिक एक्चुअल होता क्या है। इसका बेसिक क्या होता है, मान लो अगर मान लो 2 तरीके से काम करवाया जाता है यहाँ पर, कि पहले बोल दिया जाएगा कि 1 व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं, तो इसका जो कुछ फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, m1 d1 / w1 = m2 d2 / w2। ठीक है, यहां पर जो m1 वो पहले वाले जो आदमी है वो है, m1 क्या है, पहले वाले आदमी, पहले आदमी। ठीक है, और D1 क्या है, पहले दिन, पहले वाले दिन। W1 क्या है, पहला कार्य। ठीक है, अब देखो M2 क्या है, दूसरे आदमी, D2 क्या है, दूसरे दिन। देखो ये हम अभी समझा रहे हैं सिर्फ, बाकी इस फॉर्मूले से करना नहीं है, समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम जब ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं सर कहाँ से करा रहे हैं, इसलिए बेसिक बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेसिक नहीं बताएंगे तब तक ट्रिक भी नहीं सीखोगे। ठीक है, और एक बार ट्रिक सीख जाओगे तो बेसिक को भूल जाओगे, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए बेसिक बुलवा के ही रहेंगे, ट्रिक सिखा के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। W2 क्या होता है, ये दूसरा काम होता है। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो यहाँ पर घंटे भी दे दिए जाते तो यहाँ पर H1 इधर लगा देते, H2 इधर लगा देते, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, H1 पहले घंटे हो जाते, H2 दूसरे घंटे हो जाते। ठीक है, अगर ये चीज समझ पाए तो पहले इस फॉर्मूले को उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार,
और इसको हम अभी रिमूव करते हैं, यस कर दूंगा एक बार हम। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है रोहन 20 चॉकलेट 40 मिनट में बनाता है और पुनीत 30 चॉकलेट 45 दिन में बनाता है, दोनों मिलकर एक घंटे में। देखो एक घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में। दोनों मिलकर 60 मिनट में कितनी चॉकलेट पैक कर देंगे, 60 मिनट में। अब देखो 60 मिनट में कितनी चॉकलेट पैक करेंगे, जब ये 40 मिनट से, देखो हम आप लोगों के लिए पढ़ा चुके हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ पर परसेंटेज यूज कर ले, आप लोग सोचेंगे क्या ये डायमंड वर्क का क्वेश्चन है, डायमंड लीवर का फॉर्मूला चल रहा है, यहाँ पर परसेंटेज कैसे यूज हो जाएगा, आप लोग ये सोचेंगे ना। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर परसेंटेज का यूज कैसे होता है। अगर यहाँ पर 40 मिनट से 60 मिनट हो रहा है, बहुत समझने वाली बात है, बहुत अच्छी समझने वाली बात है, मैं इसको पहले ट्रिक से कर रहा हूँ, उसके बाद बेसिक से जरूर बताऊंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। 40 से 60 हो रहा है, इसका मतलब अगर इनका रेशियो निकालें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है। ये क्या है, कार्य क्षमता है ना। अगर रेशियो 2:3 हो रहा है, ठीक है, तो चॉकलेट का भी रेशियो 2:3 कर दो। अरे भाई जब 2 का मान 20 है तो 3 का मान 30 ना हो जाएगा, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझाऊं, देखो यहां पर जब 40 मिनट से 60 मिनट हो रहा है, कितना हो रहा है, 40 मिनट से 60 मिनट, अगर इसका रेशियो देखें तो यहां पर अगर 20 से डिवाइड करें, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, मतलब 2 से कितना हो रहा है, 3, ठीक है। जब ये टाइम का रेशियो 2:3 हो रहा है तो उसी रेशियो में तो काम बड़ा होगा, तो इसको अभी 2:3 कर दो, 2 का मतलब 20 है ना। अगर 20 जो 2 है, 20 का मतलब 2 है, तो 30 का मतलब 3 हो गया, मतलब 3 रेशियो किसका हो गया, 30 का हो गया, ठीक है। अगला इसी में टास्क देखो, 30 चॉकलेट 45 दिन में पैक करता है। अब जब वो 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करता है, 45 और 60 का रेशियो देखो, 45 से 60 मिनट का रेशियो देखो, देखो 15 + 45 = 15 = 60, मतलब यहाँ 30 से कितना हो रहा है, 40, 3 से 4 हो रहा है ना। जब 3 से 4 रेशियो हो रहा है तो चॉकलेट का भी 3 से 4 कर दो, यहाँ 3 से 4 करेंगे तो 3 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। टोटल जो एक मिनट में यही चॉकलेट बन के आ जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 70, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा है, अगर इसको एक बार समझ लोगे फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ोगे और इस तरीके से आंसर मार्क कर दोगे, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक बार तुम्हारी समझ में आ गया ये, तो इसको दोबारा से अभी वीडियो को पहले पॉज करो, उसके बाद पहले क्वेश्चन को अपने आप से बनाओ ना। तो ट्रिक एक ऐसी चीज होती है जो सीखने में बहुत अच्छी लगती है, जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा होता है तो ऐसा लगता है इसने तो कुछ किया ही कहाँ है, इसने तो क्वेश्चन देखा बस आंसर मार दिया, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रिक भी बहुत इजी है। लेकिन सही बताओ, अगर ट्रिक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तुरंत भूल जाओगे, एक या दो घंटे ज्यादा याद नहीं रख सकते, उसे तुरंत भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से करते, तो फॉर्मूले से कैसे करते, फॉर्मूले से पहले लिखते हैं, देखो रोहन 20 चॉकलेट है, देखो तो यानी कि या फिर इसे एक कुछ एक इस तरीके से लगा सकते हैं, M1D1 बराबर M2D2, M1D1 ऐसे करके लगा सकते हैं ना, M1D1 बराबर M2D2, यहां कह सकते हैं कि 20 × 40 = 30 × 45, ठीक है, 0 से 0 कट गया, अरे यार फॉर्मूला तो हमें लग रहा हम खुद ही भूल गए हैं, देखो यहां पर है 20 चॉकलेट, मतलब ये W1 है,
टी वन कितना है 40 और डब्ल्यू टू कितना है 30। टी टू हमें फाइंड आउट करना है, टी टू हमें फाइंड आउट करना है 19:30 45 में। ट्रिक से ही समझ लो इसको, फॉर्मूले से मुझे लग रहा बनेगा भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कोशिश की है ट्रिक से ही बहुत अच्छे समझाने की, ट्रिक से ही समझो, क्वेश्चन को आगे चलते हैं। किताबों का एक सेट 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाता है, यदि अभी भी 75 किताबें शेष बची हैं तो कितने किताबें बिक्री के लिए रखी गई थी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो टाइम एंड वर्क ही पढ़ा रहे हैं। अब जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो टाइम एंड वर्क से ही होना चाहिए। देखो हम इसको करते हैं फिर से परसेंटेज से, परसेंटेज से क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। अगर हम इसको सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से देखें, हम बोले कि जो टोटल किताबें थी वो 100% थी, कितनी थी 100% थी। क्वेश्चन में बोला गया एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, 2/5 भाग की मीनिंग कितनी होती है, अगर 1/5 भाग की मीनिंग 20% होती है तो 2/5 की कितनी हो गई 40%। अगर 40% यहां से निकाल दिया जाए तो बचा कितना 60%। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाने जा रहा हूं मैं, सिर्फ क्वेश्चन में जो डिजिट्स दिए हैं उन्हीं डिजिट्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं। यहां पर कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं करने जा रहा, कोई भी नया जादू नहीं दिखाने जा रहा, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा गया है वही एक प्रॉपर वे में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोले शेष का 3/4, अगर देखो 3/4 इसका 3/4 निकालो, 3/4 की मीनिंग क्या होती है 75%। अगर 75% निकाल दोगे किसी से तो बचेगा कितनी 25%। अब देखो 60 का अगर 25% इसका 25% निकालेंगे, 25% की मीनिंग कितनी होती है 1.4। सबसे पहले आप ये समझो कि हम 1.4 तक कैसे पहुंचे, शेष का 3/4 भाग, ये जो शेष बचा हमारा 60 इसका 3/4 और 3/4 की मीनिंग क्या होती है, 3/4 की मीनिंग क्या होती है आप बताएंगे 25 × 75 कितनी होती है 75%, ठीक है। अगर 75% यहां से बिक गई तो बची कितनी 25%, 25% की मीनिंग होती है 1.4, 1.4 का मतलब हो गया अगर 60 का 1.4 करेंगे तो ये हो जाएगा 15%। यहां तक सबको समझ में आ गई होगी बात, अगर ये कह रहे हैं कि 15% यहां पर शेष बची है और एक्चुअल कितनी बची है यहां पर 75, मतलब हम कह सकते हैं 15 की वैल्यू कितनी हो गई 75, 15 × 15 = 75, 1% की वैल्यू 5 हो गई। तो टोटल किताबें पूछी हैं कितनी रखी गई थी, मतलब 100%, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला, 2 जीरो बढ़ा देंगे 100% कितना आ गया 500। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमने परसेंटेज में ला के इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। परसेंटेज का क्या रोल रहता है मैथ में अब आप लोगों की समझ में आ ही गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखने के बाद परसेंटेज का मेन रोल क्या रहता है मैथमेटिक्स में वो समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो एक टॉपिक हम ऐसा बता देंगे कि पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क परसेंटेज से सॉल्व कर देंगे। वो अगर आप लोग को, अगर आप लोगों को जरूरत हो ऐसे ट्रिक की या इस टाइप की तो मुझे कमेंट कर देना कि वास्तव में परसेंटेज से करना चाहते हो या नहीं, अगर चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं पूरा एक टॉपिक नया चैप्टर बना दूंगा जो भी जो पूरा का पूरा परसेंटेज पे डिपेंड होगा। कौन सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क का, बड़ा ऑड लग रहा होगा सुनने में, टाइम एंड वर्क का टॉपिक हम परसेंटेज पे डिपेंड करके पूरा बना देंगे और देख लेना कि परसेंटेज से टाइम एंड वर्क कैसे करते हैं, इसलिए ही हम आप लोगों के लिए परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन
देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना। और मुझे पता है आप लोग बनाओगे तो कम से कम 2-3 मिनट ले लोगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ऐसे करके लिखोगे। देखो सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ ट्रिक से, है ना, एक बार अगर ट्रिक समझ लोगे तो ज्यादा सही होगा। उसके बाद आप लोगों का फंडा जो चलता है वो भी बताऊंगा, पहले मैं इसको बताने जा रहा हूँ ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करते हैं, अगर मान लो 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कितने दिन में, 10 दिनों की बात की, तो 6 दाई कितना हो गया, 60, 6 दाई कितना हो गया, 60 हो गया। दूसरी बात, 26 पुरुष हैं और 2 दिनों की बात की गई है, तो 26 दूनी कितना हो गया, पहले कितना हुआ था 60, 60 से जब 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, 8 मिनट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, 8 लड़के 10 दिन का काम, मतलब 8 दाई 80, ठीक है, यहाँ पर 48 लड़के 2 दिन का काम, मतलब 48 दूनी 96, जब 96 से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 बॉयज। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, जब यहाँ से काटेंगे 8 1 8 8 2 16। हमें चाहिए एक आदमी की क्षमता, एक लड़के की क्षमता का अनुपात। देखो मैन, देखो कुछ अगर इस तरीके से लिखा हो, अगर इसमें मैन बटे बॉय करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:1, और यही इसका रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हैंड प्रैक्टिस जो हाथ से लिखते हैं वो कम किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, हमने सिर्फ माइंड कैलकुलेशन ज्यादा किया है, ठीक है। देखो अगर आप लोग इसे बनाते हो, आप लोगों के तरीके से भी बना दे रहे हैं, कैसे बनाते, आप लोग करते तो कुछ इस तरीके से करते कि 6 पुरुष है तो हमने 6 मैन उठा लिए, और 8 लड़के हैं तो 8 बॉयज उठा लिए, ठीक है, और कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, बराबर 26 पुरुष हैं, 26 हमने मैन उठा लिए, प्लस 48 लड़के हैं, 48 बॉय उठा लिए, इसे कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, और बच्चा इस तरीके से ही करता है। हम चाहते हैं बाकी जो इस तरीके से करते हैं वो करते रहें, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना, तुम्हें कैसे करना है, माइंड में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। माइंड स्टेबल यही होगा जब होगा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर माइंड स्टेबल करना है तुम्हारे लिए तो सुबह को जल्दी उठो, मेडिटेशन वगैरह करो, बाकी अपना जो भी डेली रूटीन होता है उसको सही टाइम पर करो, फालतू बकवास किसी से ना करें, किसी से उलझे नहीं जब तक कोई एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, बाकी तो एग्जाम निकल जाए उसके बाद चाहे किसी से लड़ो झगड़ो, प्यार करो झगड़ा करो, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, एक बार एग्जाम तक पहुंच जाओ, एग्जाम क्लियर कर लो, ठीक है। देखो 2 5 10 यहाँ सब ऐसा तो करते ही, उसके बाद 5 के अंडर मल्टीप्लाई करते तो 3 मैन हो जाता, 40 बॉय हो जाते, बराबर 26 मैन हो जाता, प्लस 48 बॉय हो जाते। उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद मैन को एक तरफ लेके आते, मतलब 30 मैन से 26 मैन घटाते तो कितना बचता, 4 मैन इक्वल, ये 40 उधर लेके जाते तो 8 बॉय बचते, फिर काटते इसको 4 एकम 4, 1 मैन और 2 बॉय। अब सिचुएशन पहली वाली होगी, ठीक है, अब हमारा रेशियो 2:1 आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए क्या पढ़ाया है, हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया है ट्रिक, ठीक है, ये सब आप कर रहे हैं इससे अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस चीज का जमाना नहीं रहा है। अब आप लोगों के लिए क्या करना है, देखो आज के टाइम पे हर कुछ शॉर्ट हो रहा है, हर कोई व्यक्ति स्पीड से चल रहा है, ठीक है, मान लो अगर कोई भी अगर मान लो जो पहले गाड़ियां आती थी, मान लो वो एवरेज भी कम देती थी, आज के टाइम पे जो गाड़ी आ रही है वो 70-70-80-80 किलोमीटर का एवरेज देती है, पहले कम देती थी, ठीक है, अब क्या है,
अब आदमी फास्ट बनता जा रहा है, दिन पर दिन स्मार्ट बनता जा रहा है। तो आप लोगों के लिए भी क्या करना है, वो चाल नहीं चलनी है जहां 1000 लोगों की भीड़ में ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। देखो सिलेक्शन पता किसका होता है, जो व्यक्ति कुछ अलग से कर दिखाने का जज्बा रखता है, ठीक है, और कुछ अलग से कर दिखाने का अगर जज्बा रखता है तो वो काम मत करो जो जमाना कर रहा है। जमाना क्या कर रहा है, जमाना इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। और आप लोगों के लिए ये लेथन नहीं करनी है, क्या ये सब बकवास है, आप लोगों के लिए सिर्फ आंसर निकालना है। देखो इस चीज का कोई नंबर नहीं मिलता एग्जाम में, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आप चाहे इसको 2 पेज में भरकर करो और आंसर आ गया तो नंबर 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम इस भरने का फायदा क्या है, हम क्यों भरें, क्यों फालतू में अपने हाथ को दर्द करें, क्योंकि हमें यहां से कोई नंबर ही नहीं मिलता। इस चीज को नंबर तो सिर्फ आंसर का मिलता है, तो सिर्फ आंसर निकालना सीखो ना आप हमारे साथ, ये सब दुनिया भर की बकवास मत सीखो, ठीक है। और आंसर निकालना हम ट्रिक से बता ही रहे कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 लड़के और 2 लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम कर सकता है, एक लड़के और एक लड़की की कार्य क्षमता बताओ। देखो 6 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, एक लड़का और एक लड़की की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। एक लड़के एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाएंगे टाइम लग जाएगा, हमें ट्रिक से बनाना है, क्या करना है, 6 लड़के, ठीक है, और 5 गुना काम की बात हो गई, इसका मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो एक लड़के और एक लड़की को, बस। और जब 6 लड़के से 1 लड़का घटाएंगे तो 1 लड़का ये आ जाएगा 1 बाय, ठीक है। 2 लड़कियों से जब 5 लड़कियां नहीं घटा सकते लेकिन 5 से 2 ही घटा सकते हैं तो कितनी आ जाएंगी, 3 बाय, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एक लड़के और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात। जब बॉय अपॉन गर्ल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, नहीं ये 3 इधर ही रहेगा, 3/1 हो जाएगा। देखो जो इनके, एक चीज समझ लो, जो इनके कॉफिशियंट होता है, ठीक है, जो इनके कॉफिशियंट होता है उसका उल्टा एलसीएम होता है, उसका उल्टा रेशियो होता है। अगर बॉयस और गर्ल के कॉफिशियंट 1/3 है तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षमता का ही पूछा था डायरेक्ट, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1:3, ठीक है। क्वेश्चन में हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसा क्वेश्चन को बोला गया था वैसा ही कर दिया। यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है जो आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, या मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि सर हमें फॉर्मूला लगाना है, तब हम फॉर्मूले बताते भी नहीं है, ठीक है। देखो इस चीज को, इस टाइप को ढंग से समझने के लिए आपके लिए करनी होगी प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसी तरीके से। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इस तरीके से तो फिर एक बार दिमाग में ये ट्रिक चलने लग गई, फिर इनको कोई नहीं निकाल सकता, फिर तो सांसद तुम खुद बन जाओगे, किसी की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन है, पैतालीस लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, 9 दिनों में 1,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। 45 लोग हैं, 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। देखो इसे एम पर T1 से लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हमने क्या करना है, हमको एम पर T1 तो सभी लगाते हैं, वही काम हम करने लग गए तो हम भी उन्हीं लोगों की भीड़ में आ जाएंगे, तो हमको एम पर T1 नहीं लगाना है, ठीक है। एम पर T1 नहीं लगाना तो फिर करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये 40 इस 40 को एलिमिनेट कर दो। अब देखो जब यहां पर इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 12 × 5 = 60,
60 चौक 240, 240 का एक जीरो यहां से हट जाएगा, कितने आ जाएंगे 24। ठीक है, कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा, 9 × 45 = 60, 60 × 240 एक मिनट रखो इसको। देखो फॉर्मूला होता है तो हमारा M1D1 / W1 = M2D2 / W2। ठीक है, हमको काम यही करना कि यहां से चार जीरो पहले तो इस चार जीरो से हटा दो। ठीक है, उसके बाद M1 हम कह सकते हैं कि 45 लोग हैं, D1 12 है, W1 4 है। ठीक है, M2 ही तो निकालना था, D2 9 है और W2 10 है। ठीक है, 9 × 45 = 12 × 60 आ गया। 60 की जब 10 से मल्टीप्लाई होगी 600 और 600 तो M2 = 600/4 = 150, मतलब हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी 150 की। ठीक है, 150 लोगों की जरूरत पड़ेगी और 45 लोग पहले से थे, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा कितने चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए 105 लोग। कितने चाहिए 105 लोग, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ट्रिक से बना सकते थे कैसे, चलो देखते हैं। इसको हटा दूं, हटा देता हूं, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो हमारे लिए सीधे सीधे दूसरे वाले में जीरो से जीरो हमने काट ही दिए थे। ठीक है, 9 × 45 काट देंगे, 12 × 60 और 60 की जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 600। ठीक है, अपॉन में 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब 150 45 व्यक्ति पहले थे, मतलब एक्स्ट्रा कितने की जरूरत पड़ी, 105 की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 40 लोग उसी काम को पूरा करने में। देखो यहां पर बताया गया है कि 30 लोग किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में अगर बिल्कुल हाथ ना उठाओ, क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लिया उसकी बात देखने का मन भी ना करो, तब भी आंसर लगा सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हर कोई कर सकता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लेके बैठ जाएगा, मुझे पता है, और यहाँ पर फॉर्मूला लेके नहीं बैठना है। देखो हम बताएं क्या करना है, पहले कितने लोग थे 30 लोग, उसके बाद कितने लोग हो गए 40 लोग। ठीक है, अगर जीरो से जीरो काटे तो लोग कितने हो गए 3 से 4। ठीक है, अब जब लोग 3 से 4 हो गए, मतलब कार्य क्षमता 3 से 4 हो गई, तो समय कितना लगेगा, समय 4 से 3 लगेगा। ठीक है, पहले समय कितना लगता था 4, उसके बाद अब कितना लगेगा 3। हम कह सकते हैं कि पहले समय 4 लगता था, अब समय 3 लगेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो 4 × 3 = 12 होता है, तो 3 × 9 नहीं होता, 3 × 9 नहीं होता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बता दिया हमने। देखो क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है, जब 4 × 12 होता है तो 3 × 9 होता है, बस 9 ही आंसर हो गया। लेकिन कुछ बच्चे से M1D1 भी लगा के करेंगे, तो M1D1 लगा के दिखा देते हैं हम आप लोगों के लिए कितना कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हम M1D1 से भी बता सकते हैं इसको, M1 का मतलब 30 व्यक्ति, D1 का मतलब 12 व्यक्ति, M2 का मतलब 40 व्यक्ति। ठीक है, और D2 हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो बच्चा इस तरीके से लिखता है, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखता है M1D1 = M2D2। इससे देखो आंसर तो आ जाता है इससे, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। अब M1 मतलब 30 लोग, D1
मतलब 12 लोग, M2 मतलब 40 लोग इनटू D2। अब यहाँ पर काटा पीटी मचाओगे, 3-4 ही हो जाएगा, 4-3-12 हो जाएगा, 3-3-9 हो जाएगा, मतलब D2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9। लेकिन इतना सारा काम हमें यहाँ नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ एक काम करना पड़ा, थोड़ा दिमाग में दर्द हो गया है ना, क्योंकि सोचना पड़ा। बच्चा सोचने से डरता है, आज के टाइम पर फिजिकली काम बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ दिमाग लगाने की बात आ जाए ना, तो व्यक्ति एकदम पीछे हट जाता है, वो सोचता है यार इतना नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता दूं, दिमाग को आप लोग जितना आराम दोगे दिमाग उतना ही बेकार हो जाएगा। अपने दिमाग पर बल जरूर लगाओ, ठीक है, अगर दिमाग पर बल लगाओगे, देखो दिमाग एक ऐसी चीज है, अगर इसको फ्री रखोगे तो उसमें जंग लग जाएगी, और जब जंग लग जाएगी तो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, जब कीड़े मकोड़े लग जाएंगे फिर तो दिमाग में फालतू की बात चलती है, जो हमें अपने करियर की तरफ जो ले जाती है वो बातें एक भी नहीं चलती हैं। इसलिए दिमाग को चलाते रहो, है ना, और मैं कोशिश करता हूँ कि दिमाग को, मेरा जो एडवाइस रहेगा आप लोगों को ये रहेगा कि जो माइंड है माइंड को अच्छे काम में लगाओ, ना कि गलत काम में, क्योंकि अब लोग आप लोग इतने मैच्योर हो, आप ही जानते हो क्या सही है क्या गलत। ठीक है, सही और गलत को समझो, गलत है उसे अवॉइड करो, ठीक है, और जो सही है वहां पर दिमाग लगाओ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कोई चीज गलत है उसे छोड़ो, मान लो अगर कुछ भी कह सकते हो कोई बेकार चीज है अगर उसमें दिमाग लगा रहे तो उसे छोड़ो, तुम्हें लग रहा है, देखो उसे वास्तव में सही ढंग से सोचो, जो अपने बुजुर्ग हैं दो चार उनसे पूछो कि वास्तव में क्या ये सही है। अगर वो देखो बुजुर्ग लोग, हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज की जो यंग पीढ़ी है उन्हें ऐसा लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो कुछ नहीं जानते, लेकिन सही बात बताएं वो उन्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव होता है। अगर वो कहते हैं कि ना वो चीज़ गलत है तो वास्तव में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया वो गलत है तो उसको छोड़ो फिर, ठीक है, अपना काम करो, अपना काम क्या करना, सही ढंग से एक सही वे पर काम करना है। यदि 9 पुरुष, क्वेश्चन है, यदि 9 पुरुष 12 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुषों और 24 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन कितना भयंकर लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है क्वेश्चन में। अगर इस वाली लाइन को हम बिल्कुल काट दें ऐसे करके तब भी आंसर निकल आएगा, और तभी वैसे ही निकल दूंगा मैं इसका आंसर। देखो यहाँ पर 4 पुरुष 16 लड़के, यहाँ पर 6 पुरुष 24 लड़के, समझ पाए इस चीज को, मतलब 4 से 6 हुआ ये कितना, डेढ़ गुना हुआ, ये 16 से 24 हुआ, देखो ये भी डेढ़ गुना हो गया, देखो हो गया डेढ़ गुना। अब जब कोई कार्य क्षमता डेढ़ गुनी हो रही है, मतलब 2 से 3 हो रही है, इसका मतलब समय क्या हो जाएगा, समय 3 से 2 हो जाएगा। अगर कार्य क्षमता 2 से 3 हो रही है तो समय 3 से 2 हो जाएगा, अगर समय 3 से 2 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं पहले 6 दिन लग रहे थे, कितने 6 दिन लग रहे थे, अगर 3 की वैल्यू 6 है, मतलब 3 दूनी 6 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में हमने कुछ किया नहीं है अभी तक, आंसर आ गया है। एक बात फिर से बता दूं, देखो समझो एक बार फिर से, क्वेश्चन है कि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो काम सेम है ना, और कह रहा कि तो 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को, तीनों कंडीशन में काम सेम है, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, फालतू में दे रखी है। किन लोगों के लिए, जो लोग एक्स वाई मानते हैं, बेसिस से क्वेश्चन करते हैं, टाइम खराब करते हैं। देखो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग वहां पे टाइम खराब करें, क्योंकि आप टाइम खराब करेंगे तभी तो फेल होंगे। अगर मान लो 100 वैकेंसी है, 1 लाख एक्सपायरेंट्स हैं,
तो वहां पर उन्हें रिजेक्ट तो करने ही करने हैं, सिर्फ 100 ही तो सिलेक्ट करने हैं। अगर मान लो आप लोगों के लिए सिलेक्ट होना है तो वो काम मत करो जो 1,00,000 लोग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। और उन लोगों की रिजेक्शन का कारण यही होता है कि इस ये जो लाइन है यहाँ पर ये फालतू के लिए दी गई है, इसको जो व्यक्ति इसको छोड़ना सीख लिया जिसने, ठीक है, वह क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेगा और सिलेक्शन भी ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष देखो, अब यहाँ पर फिर बोला गया 6 पुरुष और 24 लड़के। यहाँ पर देखो 4 का कितना टाइम है, 1.5 टाइम है, देख लो 1.5 टाइम डेढ़ गुना है या नहीं, अगर डेढ़ गुना है, और ये 16 लड़के हैं, ये 16 लड़कों का भी डेढ़ गुना है 24, मतलब समझ में बात क्या आई, समझ में बात आई कि जो कार्य क्षमता है या लोगों की संख्या है वो डेढ़ गुनी हो रही है, 2 से बढ़कर 3 हो रही है, ठीक है। अब कार्य क्षमता 2 से 3 हो रही है, इसका मतलब समय 3 से 2 हुआ होगा। अरे भाई, हमने एक चीज आप लोगों के लिए बताई थी, जब काम सेम रहे तो वहां पर कार्य क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय। जिस बच्चे ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है कि कैसे उल्टा होता है इसका, तो वो पहली वाली वीडियो देख सकता है, वहां पे पूरी हमने एक्सप्लेन करके समझाया इस चीज को, ठीक है। अब समय देखो, समय कितना लगता था पहले, 6 दिन, मतलब अगर पुराने दिन 3 थे, 3 की वैल्यू 6 थी, 3 × 2 = 6, नए 2 आ गए तो 2 × 2 = 4, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन को अगर कुछ नहीं करना चाहो तो सिर्फ यहीं पे कर दोगे, क्या करोगे देखो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 12 = 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 60 आंसर ऐसे करके लगा दोगे, आराम से घर आ जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे बेसिक से भी बना सकते हो, बेसिक से कैसे बना सकते हो, बेसिक से बनाने के लिए वही M1D1 चाहिए। चलो हम M1D1 से ये क्वेश्चन कर भी देते हैं, लेकिन आगे से तुम्हें M1D1 कोई फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाए हैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से, तो ट्रिक से ही करने हैं, ठीक है। 36 पुरुष मतलब M1 बराबर कितना, 36, D1 बराबर 25, M2 बराबर 15, D2 बराबर फाइंड आउट करना। फॉर्मूला क्या होता है, M1D1 = M2D2, ठीक है। M1 कितना, 36, D1 25, बराबर M2 कितना, 15, तो D2 फाइंड आउट करना। देखो अब भी वही बात, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 12 = 12, 5 × 7, अब आंसर आया 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, सी की अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सी को है, सी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। अभी तक क्वेश्चन को हमने नोट किया है और वो भी पूरा नहीं कर पाया। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन, और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी बोला गया है, सी के बारे में निकालना। देखो यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो 10 × 6 = 60 होता है, 20 × 3 = 60 होता है, 30 × 2 = 60 होता है, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 × 2 = 5 आ गई, और देखो ये 3 है, ये 2 है, इसका मतलब सी 1 होना चाहिए तभी मिलाकर 6 होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये 1 होना चाहिए तभी ये 6 होगा, है ना। अगर सी की कार्य क्षमता हम कह सकते हैं कितनी हो गई, 1, अगर सी की कार्य क्षमता 1 हो गई, 60 काम करने हैं टोटल, तो सी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम करने में कितना टाइम ले लेगा, 60 दिन, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके थैंक यू क्लास, और हम कल लेके आते हैं आपके लिए नए टॉपिक पर। ठीक है, जय हिंद।